फिर वही मसाला डोसा। क्या करूं मेरे भाई, 50 रुपए में डोसा ही मिलता है। कुछ करना यार, 4 दिन हो गए अच्छा खाना खाए। क्या करूं? अरे कुछ तो कर। क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। बंदोबस्त हो गया? कुंजू अंकल आ रहे हैं। हम तो हमारा मसाला डोसा खा लीजिए ना। मसाला डोसा? लेकिन भैया मैं तुम्हारा मसाला डोसा खाऊंगा तो तुम क्या खा रहे हैं? अंकल आप अपना टिफिन हमें दे दीजिए, मसाला डोसा खा लीजिए। आईडिए में बहुत दम है, कमाल का आईडिया है। मसाला डोसा बहुत कम है। अब बिस्किट दूसरा खोल, उसमें बिरयानी होगी। इसमें भी बिस्किट, भगवान का नाम लेके तीसरा खोल, इसमें जरूर बिरयानी होगी। भाई मिल बांट के खा लो। अबे 3 फूड के डब्बे में सिर्फ 3 बिस्किट। वो क्या है, हमारी माय डियर वाइफ ने हमको डाइटिंग पर रख छोड़ा है। तो तेरी वाइफ ने तेरे को डाइटिंग पर रख छोड़ा है तो हमारी डाइटिंग क्यों करा दी बेवकूफ? बच्चों के मुंह से निकाला चिंता है तू? तेरा बहुत बुरा होगा कुंजू। अरे तुम्हारे बाप के यहाँ काम करते हो, वैसे भी मेरा कौन सा अच्छा हो रहा है? उठाइए तो सही, तेरे को तो भगवान उठाएगा कुंजू। रामी देख यार, मुझे कुछ करना है यार, बहुत भूख लगी है यार। क्या होगा यार, कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। हो सकता है यार, 44 साल के सुंदर सुशील कन्या के लिए वर चाहिए, उम्र की कोई सीमा नहीं, दहेज दिया जाएगा। 44 साल बड़ी नहीं होगी यार। अरे अपने लिए थोड़ी। फिर डैडी सेठ जमनादास कहाँ है? मेरा ही नाम जमनादास है भाई, आप लोगों की तारीफ। अरे तारीफ तो उस खुदा की है जिसने जहाँ बनाया, जिसने आपको लड़की वाला और हमें लड़के वाला बनाया। मुबारक हो, मगर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप ही ने पेपर में इश्तिहार दिया है ना कि 44 साल की सुंदर लड़की को एक वर चाहिए। हाँ मेरी बहन के लिए, हमें एक दूल्हे की तलाश है। आपकी तलाश खत्म हुई है? क्योंकि हमें भी हमारे डैडी के लिए एक दुल्हन की तलाश है। क्या? जी हाँ, दरअसल बचपन में यानी कि चड्डी गीली करने की उम्र में हमारी माँ हमें दुनिया से छोड़कर चली गई। अंकल प्लीज हमारी झोली में हमें हमारी माँ दे दीजिए। भैया ये तुम्हारे होने वाले पति के हो चुके बेटे हैं। उठो उठो, वरना तुम लोगों का दुख देखकर मैं रो पड़ूंगी। तुम लोग किसके बेटे हो? मम्मी सेठ अमीरचंद जी के। सेठ अमीरचंद? हिंदुस्तानी पत्नी अपने होने वाले पति का नाम नहीं लेती मम्मी। मम्मी हाँ, मेरे वो कहने की आदत डाल दी। कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ये बच्चे। मम्मी मुंह मीठा नहीं कराएंगी? अरे जरूर कराएंगे। अरे गंगाराम मुंह मीठा कराओ, मिठाई लाओ। मामा जी बुरा ना माने तो एक बात बोले। अरे बोलो बेटा। बोलना मामा जी, लगे हाथ शगुनी दे दीजिए ना। अरे शगुन तो लड़के वाले देते हैं भाई। भैया दे दीजिए ना, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। नहीं मगर मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। देता देता हूँ। कितने प्यार से फूंक किया है। सर गार्डन में देखिए तो सही, कुछ कहिए तो सही। कुंज बिहारी 50 रुपए में इतने ठाट मुमकिन है? सर पिछले जन्म में तो पॉसिबल हो सकते थे, इस जन्म में इम्पॉसिबल है। ये मालूम करो कि उन्होंने किसकी कलाई फिरा डाली है। खुल नहीं रहा यार। थैंक यू साहब। सेठ जमनादास जी आए। कौन? सेठ जमनादास जी। ये कौन है? वाह घर है, कितना आलीशान मकान है। आलीशान भैया मेरी शादी तय हो जाएगी ना? फिकर नॉट, मैं हूँ ना। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही, ठहरेगा तो सही। अब जी दादी नमस्ते, मैं यमुना दास और ये मेरी बहन शकुंतला। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए मेरे पास कोई नौकरी खाली नहीं है, आप कहीं और जाकर ट्राई कीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसी के रिश्ते के लिए आपके पास आए हैं जी। इनका रिश्ता मेरे साथ? पागल हो गए क्या? मैंने जवानी में शादी नहीं की। तो क्या सठियाने की उम्र में शादी करेंगे? प्लीज आप नाराज मत होइए जी, जब आपके बेटे आपका रिश्ता मेरे लिए लेकर आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने सगे बेटे हों। मेरे बेटे रिश्ता लेकर आए? इनसे शादी करोगी तो 100% विधवा हो जाओगी। मैं तो इनकी विधवा बनकर भी जी लूंगी। भारतीय नारी किस्मत की मारी। कुंज बिहारी आई एम सॉरी। बेटा तुमसे मैं बाद में निपट लूंगा, एक बात बताइए मेरे बेटों ने आपसे कुछ लिया तो नहीं? लिया ना। कितना? 1 लाख टोकन दहेज का एडवांस हमने दिया। जभी को ये ऐश कहाँ से चल रहे हैं? तुम्हें काम करो, जॉन को बुला के लाओ। ठीक है सर। अच्छा जी मैं चलता हूँ। चलता हूँ नहीं, बुला के लाइए। ठीक है मैं जाता हूँ। जी जा जी, ये कैसी लगी? हाय बहुत जोर से लगी है जी। डैड डैड आ गए, हमें बुलाया था डैड।
सारी जिंदगी घर में घुसने नहीं दूंगा। क्या ये? डरो मत बच्चों। बेटे सर दोनों के दोनों टू मच हैं। मतलब नॉर्मली बच्चे सौतेली माँ को घर से भगाते हैं, पर ये तो घर में ही ले आए। अबे ओ सर बात ये डैड साहब कुछ बोल रहे हैं। कौन साहब? भाई साहब। ओ बात ये डैड आपका अकेलापन हमसे देखा नहीं गया तो? इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके हाथ पीले कर दें। ऐसी मार मारूंगा जिंदगी भर के लिए शक्ल लाल पीली हो जाएगी। सुनिए जी। सुनिए जी। जी जाजी बच्चों पे नाराज नहीं होते। तुम पहले बाहर जाओ। डैड हमसे हमारी माँ की बिजली बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी माँ की तरह ही है ये, माँ ही है ये। पहले ये बताओ इनके पैसे किधर है? इनके पैसे वो तो तंबू और बम्बू में चले गए। ऐसा सुनो इनके तंबू बम्बू बेच दो और इनके पैसे लौटाओ। मेरे ख्याल से आप इतना फास्ट डिसीजन मत लीजिए, एक नजर इनको देख तो लीजिए। अगर उनको देखने दीजिए ना, आप कहाँ घुस रहे हैं? जब से मैं आई हूँ इन्हें ही देख रही हूँ। हटिए जी। तो सर आपको शादी मंजूर है? थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी सको? ये कैसी लगी? ये तो काफी लगी। वैसी लगी। चलो बाहर निकलो। सर कहाँ से? घर से। आर यू श्योर? अच्छा चलिए चलिए चलिए, सांसें मत भरिए, चलिए। नहीं देखो मत, बेकार बेकार। इधर आइए, एक नजर भर के देखिए तो सही। माफ करिए तो सही। पहले कान पकड़िए तो सही। नीचे जाइए तो सही। वापिस आइए तो सही। बस करिए तो सही। बताओ बाप की शादी करनी चाहिए तो क्या बुरा सोचा? खुद शादी करते नहीं, हमारी होने देते नहीं, आखिर किस बात पे इतना करते हैं सोनू? अरे अकड़ेंगे ना यार, 5 फैक्ट्रियां 3 बंगले और हम जैसे होनार बेटे, कोई भी अकड़ेगा यार। उसके बावजूद भी आधी आधी कप चाय पीनी पड़ रही है। जल्दी से चाय खत्म कर, चल के तालाब में सुसाइड कर लेते हैं। मायूस मत हो यार, एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी ना हमारी तो होगी। लेकिन एक पॉइंट है, ये 5 फैक्ट्री और 3 बंगले हम दोनों में बटेंगे कैसे? वेरी सिंपल यार, 3 फैक्ट्री तू रख लेना, 2 मैं रख लूंगा। नहीं नहीं, 3 तू रख, 2 मैं। ए तू छोटा है ना, 3 तू रखेगा। नहीं तू बड़ा है ना, तू ही 3 रखेगा। ए बड़े भाई की बात नहीं मानता, 3 तू रखेगा मतलब 3 तू ही रखेगा, समझा? भाई साहब आप लोग ही प्रॉब्लम, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 फैक्ट्री मेरे नाम कर दीजिए। हाँ दीजा, चल। थैंक यू। तो ठीक है, तुझे भी 3 बंगले में से 2 रखने पड़ेंगे। डन। हाँ लेकिन वो दिन आएगा कब? आएगा मेरे भाई, जरूर आएगा। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं।